गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम डीसी करंट पढ़ेंगे। डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है हमारा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। वेयर एज द एसी करंट सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की। तो एक हमारा सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके क्रॉस में एक वोल्टमीटर है और ये हमारा आई करंट एमीटर लगा हुआ है, करंट को मेजर करता है। और ये रियोस्टेट लगा हुआ है हमारा, जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। और ये केज स्विच। तो आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस, वी हो गया हमारा वोल्टमीटर और आर एच हो गया हमारा रियोस्टेट और एमीटर, ए एमीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है? रियोस्टेट के हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते रहना है। पहले हमने जब हम फर्स्ट रीडिंग देंगे तो हमने जब रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया तो हमारा आ गया V1 और I1। हमने वोल्टमीटर से रीडिंग नोट कर लेनी है और एमीटर से रीडिंग नोट कर लेनी है। आर इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया? चेंज द सेट। हम दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे? चेंज द सेटिंग ऑफ रियोस्टेट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने दूसरी रीडिंग लेनी है V2 और I2। V2 हमारा वोल्टमीटर से रीडिंग आ गई और I2 हमारी एमीटर से रीडिंग आ गई। तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन I2। इसी तरह हमने 3-4 रीडिंग देनी है। तो ये हमारा ओम्स लॉ वेरिफिकेशन था। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आगे आपका हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, तो इसके इसको हम सीरीज और पैरेलल में लेते हैं। पहले सीरीज में, तो सीरीज सर्किट जो आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, हमने इस सर्किट के अंदर ठीक एक बैटरी है और करंट है और तीन रजिस्टर लगाए हैं R1, R2, R3 और इसके क्रॉस में हमने तीन वोल्टमीटर लगाए हैं V1, V2 और V3। R1 के क्रॉस में V1, R2 के क्रॉस में V2, R3 के क्रॉस में V3, ठीक है। तो हम वोल्टेज अक्रॉस बाय R1, सबसे पहले हम R1 लेते हैं। R1 तो V1 इज इक्वल टू IR1। सेकेंड वोल्टेज अक्रॉस R2, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 लेते हैं तो V2 इज इक्वल टू IR2। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 लेते हैं तो V3 इज इक्वल टू IR3। टोटल वोल्टेज कितनी आ गई हमारी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हमने I कॉमन ले लिया, I तो ब्रैकेट में रह गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ब्रैकेट में क्या रह गया हमारा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे R3 आएगा। तो और इसको हम दूसरी के लिए V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V प्लस तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V अपॉन I इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा? RT। RT क्या होता है हमारा? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास तीन रजिस्टर हैं 20 ओम, 15 ओम और 15 ओम के, कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्टेज है हमारी 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड। कम्बिनेशन कैलकुलेट हमने करना है रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर। सबसे पहले हमने टोटल रजिस्टेंस नोट कर लेना है। तो टोटल रजिस्टेंस हमारे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा सर्किट है। इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस जोड़े हैं, 20 ओम का, 15 ओम का और
15 ओम का, और ये हमारी बैटरी है और ये हमारा करंट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, RT इज इक्वल टू 20 प्लस 15 प्लस 15, 400 ओम आ गया। तो करंट क्या था, I इज इक्वल टू हमारा V पॉन R, V कितनी है हमारी 100, और R कितना है हमारा 50। तो करंट कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप R1, पहले हमने वोल्टेज ड्रॉप R1 इज इक्वल टू R1 हमने आगे हमारे आगे R1 वोल्टेज ड्रॉप, हमने पहले वोल्टेज ड्रॉप R1 के अगेंस्ट में निकालनी है। R1 के अगेंस्ट में क्या आ गया हमारा IR1, I कितना हमारा 2 एम्पियर और R कितना हमारा 20, 2 इंटू 20 40 वोल्ट्स, V हमारी कितनी आ गई 40। तो R2 के वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, तो IR2, I कितना हमारा 2 और रेजिस्टेंस कितना हमारा 15, तो ये आ गया हमारा 30 वोल्ट्स। ऐसे ही हमने R3 में निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, IR3, I कितना हमारा 2 और थर्ड रेजिस्टेंस कितना हमारा 15, तो 20 15 30 वोल्ट्स। ये था हमारा सीरीज का सर्किट। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेलल सर्किट के ऊपर। पैरेलल सर्किट में भी हमने क्या करना है, क्या होता है, इन दिस सर्किट्स रेजिस्टेंस ज्वाइन टू ए कॉमन पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी ज्वाइन द अनदर कॉमन पॉइंट। टॉपिक है हमारा थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ ए नेटवर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडर द एंटायर नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट्स हैविंग ए सिंगल वोल्टेज सोर्सेस ETH इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस RTH। ETH के हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज और RTH के हमारा रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हमारे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और R4। दो बैटरी हैं, जब हम इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसके क्रॉस में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये करंट है हमारा I। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको इजी सर्किट बना लेना है। हमने वोल्टेज को, ये इतना हमारा, ये पोर्शन हमारा अलग है, ये पोर्शन अलग है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी इकट्ठा कंबाइंड कर दिया हमने VTH और रेजिस्टेंस कंबाइंड कर दिया RTH, ये आ गया हमारा करंट। ठीक है, इसके क्रॉस में RL, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का है जी। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, VAB इज इक्वल टू VTH। ठीक है, हमारी दो वोल्टेज हैं, सोर्सेस हैं R1, R2 और R3 और R4, चार रेजिस्टेंस हैं। तो हमने सबसे पहले RTH निकालना है। RTH निकालने के लिए हम सभी रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लेंगे, R1, R2, R3 और R4। तो ये इस बन जाएगा आपका R1 के पैरेलल में R2 है, प्लस सीरीज में R3 है, ये R3 आ गया और ये आ गया आपका इसके पैरेलल में R4 इज इक्वल टू RTH। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल आपका, इसमें आपकी रेजिस्टेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, और ये रेजिस्टेंस है 8 ओम, 6 ओम और 42 ओम और 42 वोल्ट और 30 वोल्ट। दो बैटरी हैं, रेजिस्टेंस है आपका R4, 2 ओम और 4 ओम। तो हमने वोल्टेज को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और RTH, इसके क्रॉस में हमने RL लगा दिया। तो रेजिस्टेंस कितना हमारा 8 ओम। ठीक है, यहाँ हमने इसको ओपन कर दिया, ए और बी दो टर्मिनल हैं हमारे। सबसे पहले हमने VA निकालना है, पहले I निकालना है हमने। I कैसे निकला हमारा, वोल्टेज कितनी थी हमारी 42 माइनस, यहाँ से गई ये प्लस में है 42, उसके बाद माइनस 8I माइनस 4I, ठीक है, माइनस 30, ये आ गई माइनस में 30 वोल्टेज। ठीक है, तो 12 इजिकल टू 12 आई कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर,
तो हमने भी ये निकालना है, 30 30 प्लस 4i, 30 हमारी पॉजिटिव, उसके बाद 4i पॉजिटिव, 4 प्लस i, i कितना था हमारा 1 एम्पियर, तो ये आ गई हमारी 34 वोल्ट। अब हमने VB निकालनी है, तो VB के हमारे ये वोल्टेज VB, ये वाली VB, ये वाली, ठीक है, तो 0, तो VB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VB इज इक्वल टू 0 प्लस 2, इसके अक्रॉस में ये लोड करंट कितना हमारा 3, 2 इंटू 3, तो VAB कितनी आ गई हमारी 6 वोल्ट आ गई VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, 34 हमारा VA आया था और VB थी 6, तो VAB कितनी आ गई हमारी 28 वोल्ट। अब हमने रेजिस्टेंस RTH निकालना है, RTH के लिए देखो हमारे 8 RTH ओपन है, ए और बी टर्मिनल है, तो हमने R निकाल लिया 8 × 4, 8 + 4 12, 8/3, तो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया 8/3, RTH इसके क्रॉस में कितना है 2 ओम, RTH लोड रेजिस्टेंस 2 ओम, RTH इज इक्वल टू 8 + 3 + 2, तो कितना आ गया हमारा 14 डिवाइडेड बाई 3 ओम, तो RTH कितना आ गया हमारा 14 बाई, और VTH कितना है 28, इसके क्रॉस में 6 ओम, I कितना आ गया हमारा, I इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, RL कितना हमारा 6, VTH RTH 14/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2.66 एम्पियर ये आ गया हमारे, ये हमारी थेवेनिन थ्योरम थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग द एंटायर नेटवर्क बाय इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ द करंट सोर्सेस, इन आउटपुट करंट इज पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN होगा, IN होगा आपका नॉर्टन करंट। तो हम इसमें सर्किट के थ्रू समझ लेते हैं नॉर्टन थ्योरम को। जैसा कि डायग्राम में ये दे रखा है हमारा एक ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सा है, जिसमें हमने 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, लोड रेजिस्टेंस है और करंट है, ठीक है। तो इसको हम इजी सर्किट बना लेते हैं, रेजिस्टेंस को एक कर लेते हैं, करंट को एक कर लेते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज हमने शॉर्ट कर दिया है, करंट क्या आ गया हमारा IN और रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा RN, यहाँ से करंट गया ये IN, यहाँ से गया लोड करंट, तो हमने फाइंड आउट क्या करना IL, तो IL किसके इक्वल होगा IN इंटू RN प्लस RL। तो जो IN होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इन टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया, IS इज इक्वल टू IN, ठीक है। तो करंट सोर्सेज में क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं, वोल्टेज सोर्स में इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो RTH इज इक्वल टू RN। तो अगर हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है 6 ओम है, तो हम इजीली I निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू IN, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN, RN प्लस 6, लोड रेजिस्टेंस कितना हमारा 6, ये आ गया हमारा लोड करंट। उसके बाद हम दूसरे सर्किट में चलते हैं इसको, तो हमने इसको जो वोल्टेज न्यूमेरिकल लेते हैं, 2 एम्पियर का हमारा करंट है और वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट, ठीक है। IN और RN ये हमने फाउंड आउट करने हैं, हमने ये जो करंट सोर्सेज के जो इसको ओपन कर दिया है, IN इज इक्वल टू फाइंड आउट, RN इज इक्वल टू फाइंड आउट, हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। IN तो देखो हमारा पहला रेजिस्टेंस 8 ओम का है, दूसरा 4 ओम का है, 5 ओम का है IS। जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से करंट गया पास होके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 8 + 8 = 16, तो हम ये करंट इसको शॉर्ट कर दिया तो करंट यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है 5 ओम का, तो 8 + 8 = 16 ओम,
ये आ गया पैरेलल में था 4 ओम, 12 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर है, ये 16 है। तो देखो इसको यहाँ से क्या -2 प्लस, ये VX है और ये VY है, VX माइनस 12/4 प्लस VX माइनस 0/16 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा VX 16 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से हम इसको LCM ले लेते हैं, 16 का LCM आ गया, 2 को हम इधर ले जाएंगे, 4 × 4 VX माइनस 4 VX 12 × 48 प्लस VX 42 − 48 प्लस VX इक्वल टू 32 4X प्लस VX 5X 5X तो ये आ गया हमारा 16 वोल्ट। तो करंट हमने यहाँ निकाल लिया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्टन थॉर्म। नॉर्टन थॉर्म क्या होती है? करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग एंटायर नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ करंट सोर्सेस। जो आउटपुट करंट इज पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। RN क्या होता है? हमारा एक नॉर्टन रेजिस्टेंस। IN क्या होता है? हमारा नॉर्टन करंट। तो हमारे दो सर्किट हैं R1, R2, R3 और R4। तो हमने एक सर्किट है हमारा ये, तो बैटरी है इसमें, रेजिस्टेंस लगे हुए 4। तो हमने इसको एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, टर्मिनल हमारे आगे AB। उसके बाद तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? RN। RN किसके इक्वल होता है? R1 इंटू ब्रैकेट थ्रू R2 प्लस R4 R1/R1 प्लस R2 प्लस R4 ब्रैकेट बंद। क्या होता है ये नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा? द इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क व्यू फ्रॉम द टू टर्मिनल्स विच एन EMF सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द करंट सोर्सेस बाय ओपन सर्किट्स। फर्स्ट हम शॉर्ट सर्किट में करते हैं। टू टर्मिनल्स विच द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड कैलकुलेट द करंट विच फ्लो बिटवीन देम इज कॉल्ड नॉर्टन करंट। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो हमारा क्या होगा? नॉर्टन करंट। दोबारा हम इसको रीड्रा करते हैं सर्किट को। ठीक है, ये हमारा करंट है एम्पियर, ये IN आ गया हमारा, ये IL आ गया। ठीक है, अब हमने क्या RN और R3 हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें? IL। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? IL किसके इक्वल होता है हमारा? IN इंटू RN अपॉन R1 प्लस R3। ठीक है, तो हम इस तरह से हम लोड करंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, R1, R2, R3 और R4 और बैटरी लगी है इसमें और RL लगा हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सभी रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। ये आ गया हमारा RN और सभी, तो बैटरी को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो हमारा आ गया IN यहाँ से गया RN IL RL। तो IL फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? IL इज इक्वल टू IN इंटू RN और RN प्लस RL। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ से सर्किट को। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है जो जो हमारा है वो किसके इक्वल है? नॉर्टन करंट के। इसको नॉर्टन करंट भी बोलते हैं हम। इस अगले सर्किट में हमने ओपन किया RTH इज इक्वल टू RN। जो थेविनियन रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? नॉर्टन रेजिस्टेंस के। तो हमने